दोस्तों अभी हम आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं EDLI के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में आप सभी लोगों को पता होगा कि 2 तारीख को उड़ीसा के अंदर एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। उसी को लेकर अभी EPF ने एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे आप जल्दी से PF EDLI का पैसा सेटल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि EPF ने कौन सा सर्कुलर जारी किया गया है और क्या क्या उसमें बताया गया है जिससे हम जितने भी मेंबर ट्रेन हादसे में जिनकी डेथ हो गई थी उन्हें जल्दी से क्लेम सेटल किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर EPF सर्कुलर में जैसे ही आप आएंगे तो यहां पर आपको एक सर्कुलर देखने को मिलेगा 67 नंबर का जो कि 8/6/2023 को जारी किया गया है। अल्टरनेटिव्स फॉर डेथ सर्टिफिकेट फॉर सेटलमेंट ऑफ डेथ क्लेम रिलेटेड टू डिसीज मेंबर्स हु लॉस्ट देयर लिव्स इन द ट्रेन मिशेप इन उड़ीसा ऑन 2/6/2023। अब दोस्तों यहां पर हम इसे पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो देखिए दोस्तों ये जो सर्कुलर है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से 8/6/2023 को जारी किया गया था। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या लिखा है। देखिए दोस्तों सब्जेक्ट में लिखा है कि अल्टरनेटिव फॉर डेथ सर्टिफिकेट फॉर सेटलमेंट ऑफ डेथ क्लेम्स रिलेटेड टू डिसीज मेंबर हु लॉस्ट देयर लिव्स इन द ट्रेन मिशेप इन उड़ीसा ऑन 2/6/2023। ओके अब दोस्तों ए ट्रेजिक एंड डिवेस्टिंग ट्रेन एक्सीडेंट अकर्ड ऑन 2/6/2023 अकर्ड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन विच 100 ऑफ पीपल डाइड एंड मोर देन 1000 इंजर्ड मैनी ऑफ देम सीरियसली। दोस्तों जो हादसा हुआ था उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है, काफ़ी लोग अभी इंजर्ड हैं और कुछ लोग सीरियसली भी हैं। तो दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए द जोनल ऑफिस शुड कंटिन्यू द ऑप्टेन अपडेट लिस्ट कैजुअलिटीज मेंटेन बाय द रेलवे अथॉरिटीज़ पुलिस और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड टेक नेसेसरी मेजर्स इन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द मेंबर यूजिंग डेटा सच एज आधार नंबर पैन मोबाइल नंबर यूज टू बुकिंग टिकट और एनी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ECC। यानी कि जो वहाँ का जोनल ऑफिस है, जो भी पुलिस कर्मचारी हैं, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो डाटा कलेक्ट कर रही हैं जहाँ जहाँ से लोगों ने टिकट बुक कराई थी, जिनके पास जो भी आधार कार्ड था, मोबाइल नंबर था, वो सब जो जोनल ऑफिस वाले कर्मचारी हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी मदद से जो लोग EPF के अंदर जिनका UN नंबर था उन्हें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि PF का उनका पैसा है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी टीम है जोनल ऑफिस की वो कंटिन्यू वर्क कर रही है ये सब डाटा कलेक्ट करने के लिए। टू मिटिगेट हार्डशिप फेस्ड बाय फैमिली बेनिफिशरी ऑफ डिसीज एंड टू स्पीड अप क्लेम सेटलमेंट इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटीज टू रिलैक्स रिक्वायरमेंट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट फॉर EDLI एंड पेंशन क्लेम रिलेटेड टू डिसीज मेंबर हु लॉस्ट देयर लिव्स इन द ट्रेन मिसअप इन उड़ीसा द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड बाय द इंडियन रेलवे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज टू सच फैमिली मेंबर्स मे आल्सो बी अलाउड एज प्रूफ ऑफ डेथ। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी डेथ सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें कम से कम 1 महीने का समय लगता है, लेकिन EPF ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो भी वहाँ की पुलिस जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रही है, चाहे इंडियन रेलवे जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है, EPF उसे मान्य करेगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है कि EPF उस डॉक्यूमेंट्स को मान्य कर रहा है जिससे क्या है जितने भी डेथ वाले व्यक्ति हैं उनकी जो क्लेम का पैसा है वो जल्द से जल्द EPF रिलीज कर देगा। और दोस्तों स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोड्यूस SOP टू सेटल क्लेम इन द केसेज ऑफ डेथ ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट सेल वी फॉलोड स्पेशल सेल फॉर फॉर्मेट टू मॉनिटर ऑल केसेज टिल सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। यानी कि दोस्तों इसके तहत एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि इस केस को हैंडल करेगी। तो दोस्तों ये EPF ने काफ़ी अच्छा सर्कुलर जारी किया गया है जिनसे उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी जो जिनका ट्रेन हादसे के अंदर एक्सीडेंट या मृत्यु हुई है। भगवान करे ऐसा कभी दोबारा नहीं हो, लेकिन जो नियम है वो EPF ने बताया गया है तो इनसे उनको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी ट्रेन हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है उनको जल्द से जल्द क्लेम सेटल कराने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों ये जो अपडेट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा EPF की तरफ से। तो उम्मीद है कि आपको ये सर्कुलर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने जितने भी जो भी उस उड़ीसा हादसे ट्रेन में जो भी रिलेटेड है प्लीज़ आप उन सभी को ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद।